कोरोना से जंगजीत ने और लॉकडाउन पार्ट टू को सफल बनाने के लिए अपने परिवार की परवाह किए बगैर खाकी पहने कानून के रखवाले रात और दिन सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी लॉकडाउन में ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों की संवेदनशीलता और सजगता देखने के लिए अलग अलग शहरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार हालातों का सच जानने के लिए वैगनार कार में सवार होकर सिकंदराबाद औचक निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम का यहां जाने का मकसद था कि वो देख सके कि यहां लोग लॉकडाउन का किस हद तक पालन कर रहे हैं और जिन पुलिस कर्मियों की इस लॉकडाउन में तैनाती की गई है आखिर वो कितनी जिम्मेदारी से अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। डीएम एक निजी वैगनार कार में सवार होकर जैसे ही सिकंदराबाद के दनकौर तिराहे पर पहुंचे तो वहां ड्यूटी कर रहे आरक्षी अरुण कुमार ने डीएम की कार को रुकने का इशारा किया। इस दौरान अरुण ने डीएम को न सिर्फ सामाजिक दूरी का पाठ पढ़ाया बल्कि उन्हें लॉकडाउन का पालन करने की नसीहतें भी दी। पूरी जिम्मेदारी से अपने फर्ज को अंजाम दे रहे कांस्टेबल अरुण कुमार नहीं जानते थे कि वो जिन्हें सामाजिक दूरी का पाठ पढ़ा रहे हैं वो बुलंदशहर के डीएम हैं। अरुण कुमार की संवेदनशीलता और सजगता से खुश होकर डीएम रविंद्र कुमार ने अरुण को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया, जबकि कांस्टेबल की कार्यशैली से खुश होकर बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने भी आरक्षी अरुण कुमार को 2000 नकद इनाम देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि वर्तमान में अरुण कुमार बतौर आरक्षी जनपद बुलंदशहर की सिकंदराबाद कोतवाली में तैनात हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।